हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका। तो आज मैं आया हूँ करंट अफेयर के साथ। तो आज हम करेंगे 26 मई का करंट अफेयर। 26 मई के करंट अफेयर में क्या क्या है देख लेते हैं। हाल ही में जोमैटो के सह संस्थापक किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है मोहित गुप्ता को। सेकंड, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों, ये जुड़े हुए थे हॉकी से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो किस खेल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में कोरोना वायरस से मरने वालों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये की है बिहार ने। तो दोस्तों, यहाँ याद रखने वाली बात है कि कितने रुपए की, तो वो है 4 लाख, और स्टेट कौन सी है? बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में DSDRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया संगीता ढींगरा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो ये है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने आधिकारिक तौर पे सेवानिवृत्त की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका। तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है टेनिस प्लेयर जेमी हैम्पटन? ये है USA, अमेरिका। हाल ही में वोडाफोन ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सो रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ वोडाफोन, तो वो है बेन बॉक्समेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेस्ट बंगाल के लिए कितने का पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये है 1000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? तो रिस्टार्ट जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ये है कैनरा बैंक। So, thank you friends for watching this video.